रिसेंटली सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज गहलानी ने आरोप लगाया था कि सैफ अली खान की फिल्म ओमकारा को सिर्फ इसलिए पास कर दिया गया था क्योंकि उनकी मॉम उस वक्त सेंसर बोर्ड की चीफ थी। और अब इस आरोप पर जवाब देते हुए सैफ ने कहा है कि उनकी मॉम कभी अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेयर डिसीजन लेती है। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर की अपकमिंग फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स करते हुए नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो ये फिल्म एक लव ट्रायंगल है। सोर्सेज की माने तो वैलेंटाइन डे पर रणवीर सिंह अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट से एक दिन की छुट्टी लेकर दीपिका से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और यहां उन्होंने दीपिका को ढेर सारी शॉपिंग करवाई है। खबरों की माने तो श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के सेपरेशन की वजह है स्पेस इश्यूज। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से पता चला है कि दोनों एक दूसरे को इनफ टाइम और स्पेस नहीं दे पा रहे थे, फॉलोइंग विच दे बोथ डिसाइडेड दैट इट वाज बेस्ट टू गो डिफरेंट वेज। फिलहाल श्रद्धा ABCD2 की शूटिंग में बिजी है और आदित्य फितूर की। Contrary to reports, Kangana Ranaut denies being approached for Dangal. जी हाँ, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कंगना रनौत आमिर खान की डॉटर के रोल में दिखेंगी, पर इस न्यूज को रूमर बताते हुए कंगना ने इस खबर से साफ मना कर दिया है। शबाना आजमी ने इंडियन सेंसर बोर्ड को US सिस्टम ऑफ सेंसरशिप को अडॉप्ट करने का सजेशन दिया है। दरअसल सेंसर बोर्ड के नए रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्म मेकर्स हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग प्रोफेनिटी इन फिल्म्स और इस रूल को शबाना आजमी ने काफी क्रिटिसाइज किया है। फराह खान को अच्छी तरह से पता है कि आईबॉल्स किस तरह से अट्रैक्ट की जाती है, तभी तो फराह अपने कुकरी शो पर सलमान और शाहरुख को साथ लाने की न्यूज को स्प्रेड कर रही हैं ताकि उनके शो की पूरी पब्लिसिटी हो सके। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि शाहरुख और सलमान फराह के इस शो पर आएंगे या नहीं। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपनी फिल्म और देवदास के सेट पर बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है। दरअसल फिल्म के एक सीन में ऋचा को स्कूटी ड्राइव करनी थी। इससे पहले ऋचा ने कभी टू व्हीलर नहीं चलाई थी, ऐसे में डरते डरते वो स्कूटी चलाने गई तो सही, लेकिन उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे ऋचा अब फिलहाल ठीक है। डायरेक्टर प्रियदर्शन बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो प्रियदर्शन ने एक फिल्म अक्षय कुमार और दूसरी फिल्म अर्जुन कपूर के साथ साइन कर ली है और अब इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग वो जल्द ही शुरू कर सकते हैं।